मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पोंड्री काक्षा मंगलायतनो हरि। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह आप सभी दर्शकों का आप सभी के अपने और सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में आप सभी दर्शकों का अंतर आत्मा से स्वागत करते हैं। दर्शकों, कुंडली दर्शन एक ऐसा मंच जहां आप सभी दर्शकों को मिलती है सबसे खास और नई जानकारी, वो जानकारी जिसे जानकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, आप अपने आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो दर्शकों, अब बिना समय बिताए, बिना समय की बर्बादी किए इस दिवाली में आपकी राशि में क्या होगा प्रभाव, मां लक्ष्मी जी की होगी कृपा, धन की होगी बरसात या रहेगी मुसीबत आपके साथ, मनेगी आपकी दिवाली या निकल जाएगा आपका दिवाला। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले के जीवन में होने वाले प्रभाव से। मेष राशि वाले, आर्थिक क्षेत्र में संबंधित लाभ के योग बन रहे हैं। जी हाँ, मेष राशि वाले दर्शक, आप अपने इकोनॉमिकल फील्ड से रिलेटेड यदि कोई काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमने वाली है, मां लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है। तो बिल्कुल आंख बंद करके यदि आप आर्थिक क्षेत्र में कोई पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में लाभ के योग बन रहे हैं। तो दर्शकों, अब हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वाले, नवीन वस्तुओं की खरीदारी से होगा आपके जीवन में लाभ और मां लक्ष्मी की होगी आप पे कृपा और धन की होगी निरंतर बरसात। तो दर्शकों, नवीन वस्तु अर्थात कि किसी नए वस्तु की खरीदारी यदि आप करते हैं तो उससे मां लक्ष्मी की साक्षात आपके ऊपर कृपा होने वाली है और इस दिवाली आपके घर भी मां लक्ष्मी करुणामयी मां आपके घर में करुणा लेके आने वाली है। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वाले, संपत्तिगत कैरियर व्यापार एवं सर्विस से संबंधित कार्य क्षेत्र में आपको मिलेगा लाभ। अर्थात कि संपत्ति से कोई विवाद चल रहा हो, कैरियर में आपको किसी प्रकार से सफलता नहीं मिल रहा है, व्यापार में आपकी उन्नति या तरक्की नहीं मिल पा रही है, सर्विस में अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, सर्विस सेक्टर में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल अब इस चिंता को छोड़ दें क्योंकि माँ लक्ष्मी माँ करुणामयी माँ धन की देवी चिंता मुक्त करने वाली देवी माँ पद्महस्ता आपके जीवन में संपत्ति कैरियर व्यापार और सर्विस से संबंधित समस्याओं को इस दिवाली में मुक्त करने वाली हैं। और इस दिवाली में मिथुन राशि वालों को इन सभी जीवन से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली है। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वाले, भाग्य जनित सफलता एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। अर्थात कि इस दिवाली आपके भाग्य में आपको सफलता देने का योग बन रहा है और अपने पराक्रम में वृद्धि करके आप किसी भी कार्य को सफलता के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता वो एकमात्र ऐसी चीज है जिसके लिए हर व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, तो ये प्रयास की सीमा अब समाप्त होने वाली है। इस दिवाली में आपके भाग्य और आपकी सफलता आपके कदम चूमने वाली है। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वाले जातक, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति एवं धन लाभ का योग होने वाला है। जी हाँ दर्शकों, यदि सिंह राशि वाले आप जातक हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि इकोनॉमिकल पोजीशन आपका वेरी स्ट्रांग होने वाला है। इतना सुपर स्ट्रांग होने वाला है कि आप किसी भी कार्य में यदि अपने मनी से रिलेटेड किसी भी काम को करते हैं, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके हर क्षेत्र में दिन दोगुना और रात चौगुना प्रगति के योग होते हैं और धन प्राप्ति के अकारण ही योग बना देंगी माँ लक्ष्मी इस दिवाली में। तो दर्शकों, अब तक आपने जाना मेष राशि से सिंह राशि वाले के जीवन में इस दिवाली में क्या होने वाला है प्रभाव। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वाले, कन्या राशि वाले, कन्या राशि वाले। जी हाँ दर्शकों, कन्या राशि वाले जातक, विवाह प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुखों की होने वाली है प्राप्ति। यदि आप काफी समय से अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं से हो रहे हैं परेशान, अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध स्थापित करना चाहते हैं या आपके दाम्पत्य जीवन में पिछले कुछ समय से बढ़ रही है बिल्कुल ही कटुता, तो उस कटुता को बदलने आ रही हैं माँ लक्ष्मी और आपके जीवन के सभी कटु संबंध को मधुर संबंध बनाने वाले हैं और पर्सनल लाइफ पारिवारिक समस्याओं का करने वाली हैं अंत। तो दर्शकों,
अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले, शत्रुओं पे होगा विजय की प्राप्ति और पुरानी समस्याओं का होगा समाधान। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की गुप्त शत्रु हो, आपके आसपास में जलने वाले प्रवृत्ति के लोग हों, जिसकी नेगेटिव एनर्जी के वजह से आपके जीवन में आपको हो रहा है नुकसान। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में लोग अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरे का सुख देखकर ज्यादा दुखी होते हैं। जलनशीलता की प्रवृत्ति इतनी तीव्र हो चुकी है, वो अपने आप में इस जलन प्रवृत्ति की हीन भावना से ग्रसित हैं। उस ग्रसित के वजह से दूसरे की तरक्की देखकर भी जलते हैं और बेवजह बेकारण कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए कद को वो देखना नहीं चाहते हैं, आपसे शत्रुता करते हैं या आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार से आपके बढ़ते हुए टांग को खींचने के प्रयास करते हैं। तो अब ऐसे शत्रुओं से बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी साक्षात करने वाली है आपके जीवन में कृपा। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका, आपके जीवन में बहुत ही होने वाला है शुभ प्रत्यंतर। शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप एजुकेशन फील्ड में, आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कार्य को करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, टीचिंग से संबंधित हो या प्रोफेसर से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, तो इस दिवाली के बाद आपके जीवन में शिक्षा से संबंधित समस्याओं का होने वाला है अंत। व्यापार में यदि आपको तरक्की नहीं मिल रही है, प्रगति नहीं मिल रही है, उन्नति नहीं मिल रही है, तो इस दिवाली से आपके जीवन में व्यापार की होने वाली है वृद्धि और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिन दुगना रात चौगुना आप अपने जीवन में कर सकेंगे विकास। कैरियर में वृश्चिक राशि वाली जातक, यदि कैरियर में भी आ रही है समस्या, जॉब से है परेशान, तो बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि इसी कैरियर में अब आप बन जाएंगे महान। और संतान पक्ष को लेकर यदि कोई दाम्पत्य जीवन हो रहा है परेशान, तो इस दिवाली के बाद आपकी परेशानी का होने वाला है समाधान। माँ लक्ष्मी स्वयं करेंगे कल्याण। दिवाली के बाद आपके भी घर में निश्चित रूप से बच्चों की किलकारियां का आवाज आपको सुनने के मिल जाएगा। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले, आपके लिए पॉजिटिव समाचार इस दिवाली में क्या है? ध्यान रहे, इस बार दिवाली पे आपके राशियों पे शुभ प्रभाव क्या होने वाला है, मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं यही बताऊं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है कि सभी अपने जीवन में होने वाले शुभ परिवर्तन को सुनना चाहते हैं। तो धनु राशि वाले, नए शुभ समाचार की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अचानक से किसी भी दूर रिश्तेदार या किसी भी तरह से आपको कोई गुड मैसेज, गुड न्यूज मिलने वाला है और आपके जीवन में बहुत ही बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। तो दर्शकों, अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले, पुरानी समस्याओं का अंत होगा और नवीन कार्य की होगी शुरुआत। आपकी जितनी भी पुरानी समस्या है, किसी भी रिलेटेड, किसी भी समस्या, किसी भी फील्ड से, उस समस्याओं की जो बढ़ने की आपकी पहले जो तीव्र गति थी, उस गति में बहुत कमी हो जाएगी और धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से आपके नए कार्य अपने आप बनने लगे और पुराने कार्य जो बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे थे, वो भी कार्य आपके जीवन में बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो दर्शकों, इसी के साथ हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातक या जातिका के बारे में। आर्थिक क्षेत्र, कैरियर और सर्विस में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इकोनॉमिकल फील्ड हो या कैरियर हो या सर्विस से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो आपके भी जीवन में हो रहा है परिवर्तन इस दिवाली में। और इस दिवाली में आपके जीवन में माँ लक्ष्मी साक्षात कृपा की दृष्टि बरसाने वाली हैं। अब सबसे अंतिम राशि मीन राशि वाले के जातक के बारे में। नॉन मैरिड पर्सन और विवाहित जातकों को विवाह से संबंधित लाभ का योग बन रहा है। विवाहित जातकों के जीवन में मधुरता के संबंध के योग बन रहे हैं, अर्थात कि मीन राशि वाले बहुत समय से अपने पर्सनल समस्या से हो रहे हैं परेशान और माँ लक्ष्मी स्वयं करने वाली हैं इस समस्या के समाधान का कल्याण। और जीवन में फिर देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में मधुर मिठास अनुभव, एक मीठी अनुभूति आप प्राप्त कर सकेंगे। तो दर्शकों, ये था आप सभी राशियों पे क्या होने वाला है आपके जीवन में परिवर्तन और किस प्रकार से इस दिवाली में आपके अपने राशि में
क्या होगी, क्या होगा प्रभाव। तो दर्शकों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो YouTube में देखने वाले दर्शकों से खास अनुरोध है, यदि आप किसी और प्लेटफॉर्म से भी देख रहे हैं तो 99% लोग YouTube में ही आ जाते हैं, क्योंकि लिंक सारी जगह YouTube का ही शेयर होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आप सभी चाहते हैं कि दिवाली के अलग अलग विषय के बारे में, धनतेरस के बारे में, भैया दूज के बारे में, या हमारे जीवन में दिवाली के संबंधित और भी अलग अलग वीडियोज, या इसके अलावा भी अलग अलग ज्योतिष से जुड़ी हुई समस्या और समाधान, अलग अलग देवी देवताओं के महत्व और परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे ही अच्छे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से दर्शकों इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल का नोटिफिकेशन होगा उसे भी क्लिक करें, जिससे आपको सर्वप्रथम हमारे वीडियोज की जानकारी प्राप्त हो सके। तो दर्शकों फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही अच्छे वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।